हनीप्रीत को जमानत मिल गई है। हनीप्रीत पर देशद्रोह का भी आरोप था, साथ ही आईपीसी की कई धाराओं में हनीप्रीत पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। फिर भी हनीप्रीत को जमानत कैसे मिल गई, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। हनीप्रीत अगस्त 2017 में गुरमीत राम रहीम के दो साथियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देने के बाद पंचकुला में हुए दंगा और हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। हनीप्रीत को 1,00,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है, लेकिन ये जमानत कैसे मिली ये भी जान लीजिए। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि हनीप्रीत 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में जब हिंसा हो रही थी तब वे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के साथ थी। डेरा प्रमुख को सजा होने के बाद वे राम रहीम के साथ पंचकुला से सीधे सुनारिया जेल रोहतक चली गई। हिंसा में उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनका नाम भी बाद में FIR में डाला गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि खुद वो 3 अक्टूबर 2017 को सरेंडर करने के लिए आई। हनीप्रीत को जबरन मामले में फंसाया जा रहा है। पिछले शनिवार को बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद पंचकुला कोर्ट ने हनीप्रीत समेत अन्य आरोपियों से धारा 121 यानी कि सरकार के खिलाफ युद्ध की कोशिश और 121A यानी कि आपराधिक षड्यंत्र से मुक्त कर दिया था। अब हनीप्रीत समेत अन्य आरोपियों पर धारा 145 गैर कानूनी इकट्ठा होना, धारा 146 दंगे करना, धारा 150 अवैध तौर पर लोगों को एक जगह बुलाना, धारा 151 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा करके दंगा फैलाने के लिए उकसाना, धारा 152 लोकसेवक के उपद्रव और दंगे आदि को दबाने की कोशिश में हमला करना या बाधा डालना, धारा 153 दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावा देना और धारा 120B के तहत केस चलेगा। आपको बता दें ये सभी धाराएं जमानती हैं, इसी कारण हनीप्रीत को जमानत मिली है। सुनवाई के बाद हनीप्रीत की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी, कोर्ट ने जमानत याचिका मान ली, जिसके बाद हनीप्रीत अंबाला जेल से बाहर आई। पुलिस की ओर से कोर्ट में जो दलीलें रखी गई वो टिक नहीं पाई और हनीप्रीत समेत अन्य आरोपियों से देशद्रोह की धारा हट गई, जिसके कारण हनीप्रीत की जमानत का रास्ता साफ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।